गाजी न्यूज़ चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। अखिलेश समाज वाल्मीकि समाज के हित में काम करता है। अखिलेश समाज वाल्मीकि समाज के हित में काम करता है। आज यहाँ भाजपा नेता आए थे, उनकी करनी और कतनी का विरोध हुआ है, लेकिन आज 2022 का चुनाव आ चुका है, आज तक भी बीजेपी सरकार ने कोई अपने वादे पे पूरा नहीं किया। सावधान, उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों की एंट्री बैन हो चुकी है। सुविधा के लिए खेद है, क्योंकि चुनावी मौसम को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को खदेड़ रही है। ऐसे में सावधानी बरतें और तमाम भाजपाइयों से अनुरोध है कि वो चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए अपने क्षेत्र, अपने इलाके, अपने गांव, अपने बस्ती या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके, शहर, गांव, कस्बे में बाहर ना निकले, अन्यथा दुर्घटना से देरी भली। वो कहते हैं कि 300 प्लस सीट लाएंगे, क्या खाक लाएंगे जी जनाब? 300 प्लस ऐसे आएंगे जहां पर इनको लोग दौड़ा रहे हैं, इनको खदेड़ रहे हैं। असली नारा, असली खेल तो उत्तर प्रदेश में देखिए कि कैसे भाजपाइयों की हवा निकाल दी गई है उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा। दोस्तों, राजनाथ और स्वतंत्र देव सिंह का उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से स्वागत हुआ है। ये स्वागत जी हाँ, किसी अच्छी वजह से नहीं, बल्कि इनका स्वागत हुआ है विरोध करने के लिए। इनका स्वागत इस तरह से हुआ है कि इनको निकाला पड़ रहा है, इनको भगाया जा रहा है और डर और खौफ इस कदर कि ये भागते फिर रहे हैं। क्या इस हैसियत को देखते हुए अपनी पार्टी का बखान भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीट लाएंगे, और इस बखान को दूरों तलक पहुंचा रही है गोदी, जी हां गोदी, गिद मीडिया। गिद मीडिया कहती है कि भाजपाई बढ़त के साथ उत्तर प्रदेश में जनता के दिल पर राज करेगी। किस तरह से इनके जो ओपिनियन पोल है वो भाजपाइयों के हित में नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे में जहां पर इनके बड़े बड़े नेता मंत्रियों को भगाया जा रहा है, क्या ऐसे उत्तर प्रदेश जीतेंगे जहां पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को दौरा कैंसिल करना पड़ रहा है? तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को गांव से खदेड़ा जा रहा है, उनकी गाड़ियों के आगे नारा लग रहे हैं। इस स्पीड से तो भाजपा 100 साल बाद भी चुनाव जीतने का सपना देख सकती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता का मूड बदला हुआ है, और वो मूड इस कदर बदला हुआ है कि भाजपाइयों को खदेड़ रही है। क्योंकि फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के लोगों की एंट्री बैन कर रही है, उनको दौड़ा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बागपत दौरा आज रद्द हो गया, क्योंकि वहां पर जनता इनसे मुखातिब होने नहीं आई थी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का भी मुजफ्फरनगर में जबरदस्त तरीके से विरोध, यानी कि हर तरफ से खदेड़ा होने वाला नारा आज सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नारा दिया गया था खेला होवे बंगाल में, वही अब खदेड़ा होने वाला नारा उत्तर प्रदेश में दिया गया, जो कि सच और सच्चाई के साथ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, खतौली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा विधायक विक्रम सैनी के समर्थन में जनसंपर्क में निकले पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को वाल्मीकि बस्ती में विरोध का सामना करना पड़ा। दलितों की बस्ती में, जो दलित हितैषी सरकार है उनकी बस्ती में इनको खदेड़ा गया है। ये अपने जो गाड़ी है उसको उल्टे पांव लेकर भागे हैं। उनके विरोध में कुछ लोगों ने जबरदस्त तरीके से उनके सामने ही नारेबाजी की है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह विरोध में की गई नारेबाजी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते गए। फिर इनको दिखा कि आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों ने और जोरदार तरीके से इनका विरोध करना शुरू कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 26 जनवरी को खतौली, मीरापुर और सदर विधानसभा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क करने पहुंचे थे। इस दौरान मीटिंग उपरांत जब स्वतंत्र देव सिंह और अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का काफिला खतौली में वाल्मीकि बस्ती से होकर निकला, तो उन्हें विरोध का पुरजोर तरीके से सामना करना पड़ा। उनके विरोध में कुछ लोगों ने नारेबाजी की, भारतीय जनता पार्टी हाय हाय, मोदी योगी हाय हाय, जैसे तमाम नारे उत्तर प्रदेश में लगे हैं। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विरोध को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उन्होंने बेशर्मी का चोला ओढ़ा हुआ है, और बेशर्मी इस कदर कि ये झूठ बोलते हुए इनकी जुबान नहीं कांपती है, बस झूठ पर झूठ बोलते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश हम जीत रहे हैं,
सपाइयों का सफाया होगा, गुंडा राज का खात्मा होगा। ये सब नारेबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने रात के समय सदर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल के समर्थन में एक बैंकेट हॉल में भी सभा की। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को मोदी योगी सरकार की योजना का भरपूर तरीके से लाभ मिला। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार पार्टी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देगी, और जनता भर भर कर आशीर्वाद दे रही है कि इनको खदेड़ रही है, इनको भगा रही है। वाल्मीकि बस्ती में स्वतंत्र देव के काफिलों का विरोध, खतौली के वाल्मीकि बस्ती में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के काफिला का विरोध, ये सारी तस्वीरें जो है बस विरोध ही विरोध की नजर आ रही है। ये जो कहते हैं कि हम से बड़ा कोई पार्टी है नहीं, हम सत्ता में विकास कर रहे हैं, लेकिन जो जनाब आंखें खोल कर देखिए तो नजर आएगा कि उत्तर प्रदेश में कैसे विरोध हो रहा है। विरोध कर रहे सुधीर कुमार वाल्मीकि ने साफ कहा कि आज दलित बस्तियों में बीजेपी वाले आ रहे हैं, बीजेपी ने उनका उत्पीड़न किया है, बीजेपी ने उनको प्रताड़ित किया है, दलित बस्तियों में आ रहे हैं वोट लेने। कहा कि खतौली विधायक तो एक दिन भी जी हाँ उनकी बस्ती में आकर उन लोगों से बात संवाद तक नहीं किया, उनको उनकी बस्ती में झांकने तक नहीं आए, लेकिन आज जब वोट मांगने की गरज हुई, वोट के दिन नजदीक आए तो ये दलितों की बस्ती में आ गए। इस दौरान वाल्मीकि बस्ती से स्वतंत्र देव सिंह और अन्य भाजपा नेताओं की गाड़ियों का काफिला निकलता रहा और भागते फिरते हुए नजर आए। एक सपा समर्थक ने भी कहा कि कैसे सिर्फ अखिलेश सरकार ही, जी हाँ इनके जो काफिले थे इनके सामने कहा कि सिर्फ अखिलेश सरकार ही वाल्मीकि समाज में लोगों के अधिकारों की बात करती है, बाकी जो भाजपाई ये बात करते हैं कि वो दलित हितैषी हैं, वाल्मीकियों के साथ हैं, दलितों का सुख दुख हरता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। सुधीर वाल्मीकि ने यह भी कहा कि आज वहाँ भाजपा नेताएं थे, उनकी पत्नी और कर्णी का विरोध हुआ है, जो वो झूठ बोलते हैं उनके झूठ को सारे दलित समाज के लोगों ने पकड़ कर उनके सामने लाकर रख दिया। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने वाल्मीकि समाज को एक जुमला दिया था, जी हाँ आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो 2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए एक जुमलेबाजी की थी कि आपकी स्थानीय निकाय की पालिका में जितने संविदा सफाई कर्मचारी हैं वो ठेक, मतलब ठेके कर्मचारियों को सरकार आने पर पक्का किया जाएगा। लेकिन आज भी जनता के ये वादों पर खड़े नहीं उतरे। जैसा कि दलितों को कहा था कि इनकी नौकरियां पक्की हो जाएगी, जो काम करते हैं जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए हम महत्वपूर्ण फैसले लेंगे, लेकिन 2022 की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ झूठ बोला। इन 5 सालों में हमें बेवकूफ बनाया, अपने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने हाथरस कांड का भी जिक्र करते हुए दुष्कर्म पीड़िता के दाह संस्कार रात के समय सरकार द्वारा कराए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। यानी कि अब जो एक मुहिम दोस्तों वो छिड़ चुकी है दलितों की भी, दलित भी अपने आवाज को उठाने लगे हैं, दलित भी इनको आईना दिखाने लगे हैं, क्योंकि उनका भी हक है, उनका भी अधिकार उतना ही है जितना इन लोगों का है, और आज वही अधिकार उठाते हुए इनके सामने नारेबाजी की है और इनको आईना दिखाया। आज राजनाथ सिंह हो या फिर बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक हो, उनकी हैसियत आज 2 कौड़ी की हो गई है, क्योंकि जनता इनको वोट की चोट दे रही है। सवाल पूछने पर इनके मुंह से सिर्फ मंदिर निकलेगा और विकास के नाम पर इनको ठन ठन गोपाला दिखाई देता है, क्योंकि जनता के हाथ में ये मुहिम, इनकी जो राज्य में एक चलन है वो ये हो गई है कि अब जनता के हाथ में कटोरा दे दिया जाएगा और जनता भीख मांगने सड़कों पर उतर जाएगी, क्योंकि रोजगार के नाम पर आप डंडे लाठी खाइएगा इस सरकार में, और इस सरकार में ऐसे डंडे लाठी पड़ते हैं कि आपकी जो तस्वीरें हैं वो आप लगातार देख रहे हैं कि जो भी आवाज हक और न्याय के लिए उठा रहा है उनके साथ ऐसे ही अत्याचार किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश की जनता भी बगावती सुर अपनाते हुए अपने हक के लिए स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर राजनाथ सिंह, इन सब से अपने बदले की लड़ाई, जो हक की लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की, और लगातार हम आपको दिखाते हुए आ रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की जो काया है वो पलट रही है। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।